विश यू ऑल हैप्पी होली। मेरे सभी प्यारे बच्चों को, मेरे सारे नीट एस्पिरेंट और जितने भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले मेरे छात्र हैं, उन सभी छात्रों के जीवन में होली जैसा रंग बिखर जाए, आपका जीवन रंगीन हो जाए। आप जिन सपनों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, ईश्वर आपके वो सारे सपने पूरे करें। इस होली के पावन पर्व पे मेरी यही शुभकामना है। मैं अपने सभी प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर से यही मनोकामना करूंगा कि आने वाली इस होली के बाद जितने भी त्योहार आपके पढ़ें, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, दशहरा हो, कोई भी त्योहार हो, चाहे वो क्रिसमस हो, ये सारा त्योहार आप अगले बार मेडिकल कॉलेज में मनाएं। मेरे सभी प्यारे बच्चों को मेरी यही शुभकामना है। हाँ बेटा, इस समय आपका बहुत ही टफ समय चल रहा है, क्योंकि सिर्फ कुछ दिनों के बाद, महीने भरों के बाद, आपके कुछ महीनों के बाद जो है आपका नीट का एग्जाम है। एक मुश्किल पल चल रहा है, लेकिन बेटा हमेशा याद रखना, एक मुश्किल घड़ी के बाद एक अच्छी घड़ी आती है। अभी आपके रास्ते बहुत ही ऐसे लग रहे होंगे कि चलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, बड़ी रुकावट आ रही है, हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा होगा, पढ़ रहे होंगे याद नहीं हो पा रहा होगा, आपको लग रहा होगा पढ़ने के बाद सब भूल जा रहा है। लेकिन नहीं बेटा, वो एक हमारा निगेटिव थॉट होता है जो हमें परेशान करता है। पॉजिटिव बने रखिए, एक नई ऊर्जा के साथ लगे रहिए और अपना हिम्मत मत हारना बेटा, लगे रहना। तुम अपने पथ पे हमेशा अग्रसर रखना, तुम्हें तुम्हारी सफलता जरूर मिलेगी, तुम्हारे सपने जरूर साकार होंगे, तुम्हारे माता पिता गुरुजनों का सिर जरूर गर्व से ऊंचा होगा। जिस पथ पे चल रहे हो, ठोकर लग रही है, लेकिन आने वाले कुछ समय के बाद यही एक सरफेस, एक स्मूथ सरफेस तुम्हें मिलने लगेगा जब तुम नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। ये एक महीने थोड़ी मुश्किल की घड़ी है, बहुत मेहनत करना है, लेकिन अपने आत्मबल को खोना नहीं है बेटा, अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है। कोई बात नहीं बेटा, ये होली थोड़ा सा समय जो है बेटा निकाल लेना त्योहार के लिए, लेकिन बाकी समय बचा करके पूरी पढ़ाई पर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद बेटा ना पूरा जीवन आपका बचा रहेगा रंगों का त्योहार मनाने के लिए। तो आप त्योहार मनाइए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा समय अभी भी आप अपने पढ़ाई पर दीजिए, क्योंकि लक्ष्य आपके आंखों के सामने हमेशा वो 5 मई का दिखते रहना चाहिए। उस लक्ष्य से बेटा कभी डेविएट नहीं होना है। जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, वो सारे टेस्ट आपको पता है 1 अप्रैल से फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे, ये फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, और इतना टेस्ट देने के बाद जब नीट के एग्जाम में आप बैठोगे बेटा, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हम गुरुकुल का टेस्ट सीरीज ही दे रहे हैं। बिल्कुल आपका कोई एग्जामिनेशन फोबिया नहीं रह जाएगा, नई जगह का कोई वो प्रभाव नहीं रहेगा। तो आप जरूर टेस्ट देने आइए बेटा, जो 1 अप्रैल से फुल लेंथ टेस्ट आपका स्टार्ट होने जा रहा है। बाकी के लिए आप गुरुकुल पाठशाला के ऑफिस पे संपर्क कर सकते हैं, जो आउटसाइडर भी हैं वो भी लोग आकर के ये टेस्ट दे सकते हैं बेटा। और नो डाउट ये टेस्ट देने से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि हमारी क्या कमियां रह जा रही है, कौन से टॉपिक में क्या दिक्कत रह जा रही है, वो सारी चीजें आप फैकल्टी से मिलिए, वो टॉपिक क्लियर करिए, और जो भी तुम्हारी समस्या है बेटा, सारी समस्या का समाधान करके आप 5 मई के एग्जाम में बैठिए, क्योंकि उसके पहले कहीं कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। तो इस होली के पावन पर्व पे मैं अपने सभी प्यारे बच्चों को होली की हार्दिक शुभकामना देता हूं, और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं मेरे ये सारे प्यारे बच्चे, अगला आने वाला जो इसके बाद होली का त्योहार आएगा, वो अपने मित्रगणों के साथ मेडिकल कॉलेज में होली सेलिब्रेट करें। थैंक यू सो मच बेटा, विश यू ऑल हैप्पी होली।